दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम IPL से जुड़ी खबरों को जानेंगे और खास करके कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ी। जैसा कि आपको मालूम होगा, साल 2014 में KKR ने गौतम गंभीर की कप्तानी में अपना दूसरा IPL टाइटल जीता था। तब से लेकर अब तक पूरे 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन KKR दोबारा चैंपियन का खिताब नहीं उठा सका। ऐसे में आगामी सीजन में श्रेयस अय्यर KKR परिवार का यह इंतजार खत्म करना चाहेंगे। टूर्नामेंट जीतने के लिए श्रेयस को पहले अपनी सर्वेस्ट 11 का चुनाव करना होगा। यही वजह है कि आज हम आपको बताएंगे वो निगारा खिलाड़ियों के नाम जो मिलकर IPL सीजन 2023 में कोलकाता की बेस्ट 11 बना सकते हैं। तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं और इस तरह स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों शुरुआत ओपनर से करते हैं, तो इस बार CSK का खिलाड़ी KKR के लिए ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। जी हाँ, इस साल CSK का खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ओपनिंग करता नजर आ सकता है। हम बात कर रहे हैं घरेलू टूर्नामेंट में अपने बल्ले से आतंक मचाने वाले सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज नारायण जगदीशन के बारे में। पिछले साल तक जगदीशन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, लेकिन IPL ऑक्शन 2023 में उन्हें KKR ने चेन्नई के साथ बीडिंग वॉर करके 90 लाख में खरीद लिया। ऐसे में आगामी सीजन में अब जगदीशन वेंकटेश अय्यर के साथ ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। यह दाएं और बाएं हाथ के खिलाड़ी की जोड़ी तहलका मचा सकती है। अब बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मिडिल ऑर्डर हमेशा से ताकत रही है। एक और जहां KKR के पास श्रेयस अय्यर जैसा एंकर खिलाड़ी है, तो वहीं तबाही मचाने वाले कैरिबियाई बल्लेबाज एंद्रे रसल भी हैं। इनके अलावा नीतीश राणा और साकिबुल हसन किसी भी समय अपने बल्ले के दम पर गेम चेंज कर सकते हैं। ऐसे में टीम को बल्लेबाजी में काफी गहराई मिलने वाली है। गेंदबाजी डिपार्टमेंट पर गौर करें तो रफ्तार और मिस्ट्री में फंस सकते हैं बहुत सारे बल्लेबाज। बता दें KKR के पास मिस्ट्री स्पिनर से लेकर रफ्तार के सौदागर तक मौजूद हैं। कप्तान श्रेयस अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम में गन गेंदबाज उमेश यादव और लॉकी फर्गसन को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट की कमान अनुभवी सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती बेहद आसानी से संभाल लेंगे। शार्दुल ठाकुर, साकिबुल हसन, आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा के तौर पर टीम के पास काफी सारे पांचवें गेंदबाज के ऑप्शन भी होंगे। तो चलिए आखिर में जान लेते हैं IPL 2023 के लिए KKR की संभवतः प्लेइंग 11 के बारे में। तो यह कुछ इस प्रकार से हो सकती है, जिसमें वेंकटेश अय्यर, विकेटकीपर नारायण जगदीशन, कप्तान श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, साकिबुल हसन, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, सुनील नरेन, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती। तो दोस्तों यह थी KKR की संभवतः प्लेइंग 11। इस पर अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।